बोले जी कहीं ले जाओ, इलाज नहीं, एक महीने में ख़त्म हो जाएगा। लेकिन यहाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तब 39 किलो वज़न आ गया था, 62 किलो वज़न है, और सारा घर का काम कर रहा हूँ, 20-20 किले खेती कर रहा हूँ जी ट्रैक्टर से। 27 रेडिएशन लगवा दिए, कोई इलाज नहीं, और इधर तनी वाले के रिपोर्ट देख लियो आप। राम राम सारे ने, मैं हूँ तरगला कुसुम गोए, तरिश्ते मैं पाली गुरुकुल में हूँ। खूब वीडियो भी देखी है तमने, और कितने सारे मरीज यार ठीक होकर जा लिए वो भी देखे यार। सबसे बड़ी बात तो नू है कि भाई 22 देशों में यार दवाई जावे, बहुत बड़ी बात तो है। और अपने देश में मतलब इसी जगह पर इसी दवाई बना है जो 22 देशों में जाओ। फिलहाल जो है आयुर्वेदिक दवाई देवे है, लेकिन यह वीडियो नू होने वाली है कि भाई आयुर्वेद में ताकत कितनी है, कितनी ताकत है वो सर बताओगे। कुछ मैं एक बार कैमरा घुमा कर दिखाऊंगी, यार कुछ मरीज भी बैठे हैं, इनते खुद भी पूछांगे इन्हें के लाग रहा है, फर्क है या ना है, जो भी इनका मन में है वो मैं रिकॉर्ड करांगे। और लाइव तस्वीरें तो हम इस टाइम देख रहे हो, शेयर जरूर कर दियो वीडियो ने। पहले तो सर राम राम। सभी दर्शकों को राम राम, और गुरुकुल परिवार की तरफ से सबको वंदे मातरम। ठीक हो सर? बहुत बढ़िया है। आप बहुत सारे मरीज जा रखे हैं, और एक बार इनके बारे में थोड़ा बताना चाहोगे? एक बताने से पहले आपसे एक निवेदन करना चाहेंगे। आप भारतीय संस्कृति के प्रचारक हैं, तो सर का प्रयोग ना करें, श्रीमान करें। तो शुद्ध हरियाणवी चलने दे या अपनी हिंदी चलने दे। हाँ जी, हाँ। तो जो आपने कहा 22 देशों में दवा जा रही है, और आयुर्वेद की ताकत, आयुर्वेद की जो ताकत है वो सदियों से है। बस कालांतर में मुगलों ने काफ़ी नुकसान पहुंचाया, और मुगलों से ज़्यादा अंग्रेज़ों ने नुकसान पहुंचाया, और आज मकोले की शिक्षा इस देश को नुकसान पहुंचा रही है, क्योंकि हमारे मस्तिष्क में ये ठूस ठूस के भर दिया गया है कि बड़े बड़े हॉस्पिटल जो हैं वही आपकी चिकित्सा कर सकते हैं, या जो पैकेट में दवा आ रही है वही चिकित्सा करते। तो हमें उस मानसिक गुलामी से आज़ाद करवाने की लड़ाई अमर बलिदानी भाई राजीव दीक्षित ने लड़ी थी, जिन्होंने जन जन को जागरूक किया, और उसी कार्य को, उनकी हत्या के बाद उसी कार्य को, उनका शिष्य होने के नाते उसी दायित्व को हम निभाने का प्रयास कर रहे हैं। 31 दिसंबर को भारत में सबसे अधिक कैंसर रोगी ठीक करने का सौभाग्य इस गुरुकुल ने प्राप्त किया, गोमाता ने प्राप्त किया, प्रकृति माँ ने प्राप्त किया, और आज मैं आपको ऐसे ऐसे रोगियों से मिलाऊंगा जो भारत के बड़े बड़े हॉस्पिटलों ने या तो ये बोला था कि एक महीने का जीवन है या असंभव था। तो सबसे पहले मेरे साथ हैं छबीला राम जी, ये रेवाड़ी जिले से हैं, और इनको इनकी स्थिति ऐसी थी कि 200 फीट चलने के लिए, यानी कि गुरुकुल के दरवाजे से यहाँ तक चलने के लिए 1 घंटे का समय इनको लगता था, और झज्जर एम्स ने ये बोला था कि 1 महीने की लाइफ है, आप जाओ। और आज 6 महीने हो गए, कितना 9 महीने हो गए, 9 महीने की दवा के बाद आपके सामने हैं, पैदल चल के आए हैं, जो आप गाड़ी से आए हो बस स्टैंड से, ये पैदल चल के आए हैं, और 20-20 एकड़ की खेती का कार्य कर रहे हैं, और इनकी रिपोर्ट भी सामान्य है। ये देखिए, ये देखो भाई, रेवाड़ी तक अंकल जी, और रिपोर्ट सामान्य बता रहे हैं। एक नहीं, दो दो रिपोर्टें इनकी हैं, और रिपोर्ट से बड़ा पैमाना शरीर होता है। इनको कैंसर था, कैंसर के रोगी रहे हैं। इनका पूरी बॉडी का जो रिपोर्टें हैं वो आप देख लीजिए, और बाकी आप रोगी से बात कीजिए कि क्या स्थिति थी पहले, आयुर्वेद की ताकत जाने, आयुर्वेद में आने से पहले क्या स्थिति थी। जज्जब ने बिल्कुल देखो भाई, रिपोर्ट देख ली है, और ताऊ मेरे श्यामी बैठा है जी। ठीक से अब बिल्कुल ठीक हूँ जी, पूरा ठीक है, थोड़ा बहुत ठीक है, पूरा ठीक हूँ जी। कब तक दवाई ले आड़ा आपने? मैं 9 महीने हो गए जी। 9 महीने, और उससे पहले सिर्फ एम्स में दवाई ली थी, और भी डॉक्टर द्वारा गए थे? नहीं, आयुर्वेदिक वाले बहुत सारे हैं, इससे पहले कितने और गए हो? पहले रेवाड़ी से पता लगा जी कैंसर है, तो फिर वो बोला जी रोहतक की बनाओ या दिल्ली की, मगजी कहीं कि मैं अपना आप चला जाऊंगा, तो झज्जर एम्स गए थे। उधर ने 1 महीना हमें घुमाया, 7वें दिन बुलाते थे, बायोप्सी रिपोर्ट आई तो उसमें कहा कि जी वो देखकर बोले जी कहीं ले जाओ, इलाज नहीं, 1 महीने में ख़त्म हो जाएगा। अच्छा। तो हम आ रहे थे तो पता लगा जी यहाँ गुरुकुल है, वहाँ दवाई देते हैं, तब से यहाँ ले रहा हूँ। किसने बताया? पता लगा जी इससे, रिश्तेदारी वगैरह में। हाँ जी। अच्छा। तो फिर इधर से मैं दवाई ले जा रहा हूँ, उधर दिल्ली एम्स में भी किया था, उन्होंने ऑपरेशन बोल दिया था जी, ऑपरेशन बोल दिया। मैं ही डिले कर रहा हूँ, वो करने के लिए तैयार हैं, मैं ही डिले कर रहा हूँ जी। अच्छा, अच्छा। लेकिन यहाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तब 39 किलो वज़न आ गया था, 62 किलो वज़न है, और सारा घर का काम कर रहा हूँ, 20-20 किले खेती कर रहा हूँ जी ट्रैक्टर से।
हाँ जी। पे ये देखिए 39 किलो से 62 किलो पर कौन रोगी जिसको झज्जर एम्स ने 5-10 करोड़ रुपए सरकार ने खर्च करे होंगे और 39 किलो से 62 किलो जो 200 मीटर 200 फीट नहीं चल पाता था वह 20 एकड़ की खेती कर रहा है, ये ताकत है आयुर्वेद की। वहाँ तो दवाई कहीं नहीं ली है, वो सीधे एम्स में गए थे, फिर दिल्ली एम्स में गए, फिर उसके बाद में झज्जर एम्स से इधर आया हूँ। अच्छा, अच्छा, तो टाइम दे दिया था, हाँ टाइम दे रखे, उधर उन्होंने कोई दवाई नहीं दी, सेवा करो बस। हाँ जी। अब मैं आपको एक केस दिखाया, मैं आपको दूसरा केस दिखा रहा हूँ। अमीलाल जी हैं, फेफड़े का कैंसर था और कहाँ कहाँ ट्रीटमेंट चला ना, इनकी क्या हालात थी और आज क्या हालात है, वो खुद आप इनके मुंह से जाने। बिल्कुल, पहले तो युरली साइड से आ जाओ आप, थोड़ा सा थोड़ा इसमें दिख जोगे और दूर दूर तक रखे हैं देखो भाई। और बड़ी अच्छी भी खबर है यहाँ की भाई, देखो जिन तक एक महीना का टेम दे दे वो आड़ा का ठीक हो जावे, जीवन दान मिल जावे, उन बहुत बड़ी बात हो है यार। हालांकि आयुर्वेद में भी मैं एक सवाल पूछना चाहूँ थी, बाद में पूछूंगी सर, तो पहले अंकल जी तो बातचीत करेंगे। राम राम। ठीक सो? हाँ बिल्कुल जाऊँ ठीक। क्या चीज की बीमारी थी तेरे को? मेरे फेफड़ा में वो थी कैंसर, जो महावीर जयपुर अस्पताल के मैं वहाँ पर मैंने जाँच करवाई और जो मुंडा मासी खून आवे था, खांसे था, जब भी खून रात दिन आया करता, पीड़ा बहुत जबरदस्त थी, तो उन्होंने जांच की, सीटी स्कैन किया और वो बॉम्बे गई मेरी रिपोर्ट, तो उन्होंने कैंसर हो गया आपके, तो वो कैंसर होगा तो वो ठीक, वो बोला आपके लगेगी किमो, 45,000 रुपये की जाँच करी। अच्छा। हाँ, और किमो लगेगी नहीं, ये खून आपके रुकेंगे ही नहीं। फिर मैंने फिर वहाँ किमो तो लगवाई नहीं, वो डायरेक्ट मैं यहाँ आया। कितने दिन चले? मतलब 20 दिन। 20 दिन रहे जांच। हाँ, जांच करी। बोले, किमो, किमो की क्या भाई? हाँ किमो लगेगा ना, बोले सेहत बना, दो अंडा खा, सेहत बना, नहीं आपके ये खून नहीं रुकेंगे। अच्छा। किमो आपके जरूर लगेगी, किमो तो मैंने नहीं लगवाई, मैं किमो तो नहीं रुकी, आँखों से मैं लाचार हूँ, कभी आँख भी कभी खत्म हो जाए ना, तो मैंने नहीं लगवाई। मैं यहाँ पर 3.5 महीने के मैं ही मात्र बिल्कुल ठीक हो गया। 3.5 महीने तो दवाई ले उसे। हाँ ना, मैं तो वैसे 6 महीने हो गए मेरे को, 6 महीने हो गए, पर 3.5 महीने में बिल्कुल ठीक हो गया था। अच्छा, मतलब 3.5 महीने। हाँ, वो खून खान सारी बिल्कुल बिल्कुल सही। कौन सा कड़े तो आप? मैं गांव ढेंकवाड़, तहसील नीमराणा, राज जिला अलवर, राजस्थान से। राजस्थान का? हाँ। बहुत बढ़िया बात है भाई। इन बताओ 10 में तक क्या नंबर दोगे? हम तो बिल्कुल सही होएगा एकदम, और जिंदगी बचा दी मैं तो उनकी, बहुत महिमा करूँ गुणगांव से, बहुत ही बढ़िया काम से आयुर्वेद। बिल्कुल जी। इनके इनका यहाँ आने का जो एक कारण है वो खुद ही बताएंगे। इनके गांव में 7 कैंसर के रोगी थे और जो कीमो लगा के इनके साथ के थे, उनकी क्या हालात हुई? वो सात तो मर लिए। अच्छा भी मर लिए, वो माने नहीं उसने। एक तो एक जना के एक ही कीमो लगी थी, मैं यार एक बार दवाई मत ले, तो एक बार जाए के देख उठे मरीज जहाँ से पूछ यार, तो मेरी कहा कि मान ले, वो नहीं माने साहब, जो गया था वो 25 साल का लड़का और वो सब खत्म हो चुका। 7 गुजर लिए 3। हाँ, 7 गुजर लिए कैंसर से मारे मेरे गाँव में। मतलब फिर कुछ ना कुछ तो होगा कमी गाँव में, कि भाई जिस चीज से इतने कैंसर के मरीज होने लग रहे हैं, तो सब ही होता है भैया, तो पानी की भी कोई दिक्कत ही से, पानी की भी सही आम पानी की खराबी से। तो फिलहाल आपको तो राम है ना? हाँ बिल्कुल, मैं आराम ना, मैं तो बिल्कुल जाऊँ ठीक सु, मैं 4-4 किलोमीटर दूर सफेद पहाड़ में भी दौड़ कर का हूँ, मैं इतना पहाड़ में चढ़ के निमंत्रण घूमने जाऊँ उसमें, बिल्कुल सही से जाऊँ। बिल्कुल कुसुम जी, यहाँ पर आराम वालों को नहीं दिखाते हम, जब रोगी बिल्कुल ठीक हो जाता है उसके रिपोर्टें सामान्य हो जाती है, आराम का जो खेल है ये षड्यंत्र है। हाँ हाँ, नहीं आपका पूछना जायज है, लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से बता दूं, बहुत सारे हॉस्पिटलों में और आयुर्वेदिक स्थान आता है, हमारे यहाँ भी 15 दिन और महीने में अधिकतम रोगियों को आराम आ जाता है और बाद में बहुत सारे रोगी खत्म भी हो जाते हैं। बिल्कुल, क्योंकि देखो आजकल आयुर्वेद का भी आप कह तो रहे हो, शुरू में मेरा जो सवाल था नुए था कि भाई आयुर्वेद का कितना असर हुआ है, क्योंकि जंगा जंगा है तो, लेकिन असर किसी किसी का देखने में, देखिए वो आयुर्वेद नहीं रह रहा,
सच्ची बात है सर। देखो आयुर्वेद तो वही है लेकिन वो मानस नहीं रह रहे, वो मानस नहीं रह रहे। मानस की जो मति है उसके अंदर ये जो काले सिर वाला, इसको पैसे का इतना भारी लालच हो गया। वो क्यों दिखाते हैं? वो इसीलिए दिखाते हैं कि एक महीने में किसी को आराम हो गया जी, ये इसको आराम हो गया। कुछ मीडिया वाला बड़ा चढ़ा के दिखा देता है और रोगी बेचारा जाता है भोला भाला और वहाँ पे समाप्त हो जाता है। सारे रोगी मैं फिर कहता हूँ मेरे यहाँ भी ठीक नहीं होते। अच्छा। और मेरे को लगभग 6 महीने तक कितने रोगी ठीक हुए आपके? जो लगातार 6 महीने औषधियाँ लेते हैं उसमें से 50-70% रोगी ठीक होते हैं। किसी की लाइफ लंबी हो जाती है, किसी को 6 महीने के दौरान भी खत्म हो जाता है। सभी प्रकार के रोगी होते हैं। है, 1 साल में यार 20,000 ठीक हो गए, 10,000 इसकी सच्चाई आपको 23 जुलाई को दिल्ली सेक्टर 9 में ITL पब्लिक स्कूल के अंदर पता चलेगी कि किसने कितने ठीक किए हैं। और आपके चैनल के माध्यम से मैं पूरे भारत को आमंत्रित करता हूं कि अगर किसी ने एक भी कैंसर रोगी ठीक किया, ज्यादा नहीं एक भी ठीक किया है, उसका नाम, मोबाइल नंबर, पता और उसकी रिपोर्ट लेके आ जाए, मैं उसे बहुत बड़ा वैद्य समझूंगा। क्योंकि मैं पूरे भारत में घूम चुका हूँ, निमंत्रण देते देते मुझे मात्र 7-8 लोगों ने डाटा दिया है। और जो अब तक अधिकतम जिसने डाटा दिया वो 43 रोगियों का है। और पिछली बार गुरुकुल ने पहला स्थान लिया था और इस बार पहला स्थान ना आए ऐसी मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। क्योंकि हमारे से बड़ा कोई वैद्य हो, हमारे से ज्यादा ठीक करने वाला हो तो कम से कम हम उनसे सीख सकते हैं। और पूछिए आप। बिल्कुल, एक ये भैया बैठे हैं, इनके बारे में पूछना चाहूंगी मैं कि हाँ, ये जो रोगी हैं इनको 3-3 ऑपरेशन हो चुके थे और बिल्कुल बिस्तर पे आए थे। इनकी बहन है। अच्छा। और इनकी बहन है और आज इनकी क्या स्थिति है और क्या पोजीशन है वो सारा पूछो। कितना पहले खर्चा लग चुका था और यहाँ से क्या लिया? चलो भाई, आपका आपकी बेबी का इलाज चल रहा है? हाँ, इलाज चल नहीं रहा है, तो न्यू ला लियो ठीक होगी। होगी कौन सा काम था आपके? मैं चरखी दादरी। हाँ, के कुछ था शुरू तले के लग, थोड़ा बताओ। सिस्टर का था जी सर में ट्यूमर, ट्यूमर था दूसरी स्टेज का, वो ट्यूमर निकलवा दिया, फिर हो गया, फिर निकलवा दिया, फिर हो गया, 3 बजे निकलवा लिया। हाँ, 3 बजे वो तीसरी स्टेज में पहुँच गया। डॉक्टर ने पैसा दे ली, लेकिन बोलिया भाई जाओ PGI चंडीगढ़ मखौत के इलाज है। बोलिया उत इलाज हुआ गो मखोई ऑपरेशन है उतुआ गो बोलो यो हुआ। फिर मेरा आयुर्वेद में विश्वास था, मैं इधर आया, इधर आनती आज वाय सिस्टर है, एक हिस्सा काम छोड़ गया था बिल्कुल। वाय सिस्टर है, खूब घूमे है, खूब फिरे है, दाऊ रोटी खा है, बिल्कुल फिट से। 10 किलो वजन बढ़ गया, 4 महीने दही नहीं है अभी पूरी। अच्छा, 2 महीना फिर उठ जा, दो महीना 27 रेडिएशन लगवा दिए, कोई इलाज नहीं हुआ। और इधर तेन ला लियो के रिपोर्ट देख लियो आप, बिल्कुल बिल्कुल रिपोर्ट 1.32 आ रही है, बिल्कुल ठीक है। वो गाड़ी गाड़ी के पास। अच्छा, आप यार दवाई लेने आ रहे थे? वो भी ऐसा है जी, एलोपैथी वाला की स्थिति सी हो रही है। अपना देसी भाषा हम कह दें, थोड़ा सा ब्रेन का हिस्सा काट दिया, उस तो थोड़ी हाथ की दिक्कत ठीक नहीं हुई है, कैंसर बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, बाकी वो हिस्सा काट दिया, थोड़ा ब्रेन का काट के दिमाग काट दिया, उस तो हाथ में दिक्कत भी है। अच्छा, हाथ में दिक्कत है और कैंसर खत्म। आयुर्वेद का तो बहुत सारी जगह जगह है, इसे जगह पाने का मन क्यों करे? यह जगह जी आचार्य जी न्यू ला लियो, वीडियो देखे बहुत, फिर न्यू ला लियो 2-4 ठीक हुए उड़ान बताई। अच्छा। बोलिया भाई तो न्यू ला ले गंगा मैया उत्तब है, मखो मारी तू उत्तब होगी तो। और मारी तो ना मारे पड़ोस में बल करा उत के भी गए 1-2 ठीक हो। अच्छा, पड़ोस में ठीक हो गए? हाँ, बताया। हाँ, उनने बताई। भाई देखो, हाँ जी, ये इनकी रिपोर्ट है, आप देख लीजिए, 3 से कम होना, लेकिन फिर भी एलोपैथी की रिपोर्ट है। हाँ। 3 से कम रेंज होनी चाहिए और 1.32 है, 1.32 काफी आराम है, काफी ठीक हो रखी है। और जो कर इन्होंने बताया कि भाई नष्ट हो चुके हैं कैंसर के सेल, बिल्कुल नष्ट हो चुके हैं इनके शरीर से, इनकी जो बहन है बिल्कुल ठीक, 12 किलो वजन बढ़ गया है उनका।